Assalamu alaikum, dear audience. I hope all of you are fine. Today we will start reading novel of grade 3. अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि ड्यू टू सम रीजंस हमने यूनिट नंबर 1 जो है वो फर्स्ट टर्म के सिलेबस से स्किप कर दिया है. ठीक है, यूनिट नंबर 1 ग्रेड 3 इंग्लिश नॉवल इज नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट टर्म. ओके, सो वी विल स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस. नेम ऑफ द चैप्टर इज अलादीन एंड द मैजिक लैम्प. द स्ट्रेंज अंकल. There was once a tailor called Mustafa. Every day he worked very hard. He worked from morning to night, but he was always very poor. His son Aladdin was a lazy boy and did nothing to help him. Then Mustafa died. After that, Aladdin was much more lazy. His poor mother had to work to buy food for them. One day, Aladdin was playing in the street when a stranger came up to him. Boy, said the stranger, are you the son of Mustafa the tailor? Yes, answered Aladdin, but my father is dead. तो अब स्टोरी में हो क्या रहा है. मुस्तफ़ा एक टेलर है, दर्जी है, उसका बेटा है, उसका नाम है अलादीन, जो कि लेज़ी है, बहुत सुस्त है, वो कोई काम नहीं करता और वो बहुत गरीब भी हैं. मुस्तफ़ा पूरा दिन रात काम करता रहता है लेकिन अलादीन कुछ नहीं करता. ठीक है, कुछ दिन बाद जो है वो मुस्तफ़ा की डेथ हो जाती है और अलादीन जो है वो फिर भी कोई काम नहीं करता और अब उसकी मदर जो है, माँ जो है, उसको काम करना पड़ता है और कमाना पड़ता है. अब हुआ ये कि एक दिन अलादीन जो है वो गली में खेल रहा था तो एक आदमी आया, अनजान आदमी है, उसको मुस्तफ़ा अलादीन जानता नहीं है. उसने आके पूछा कि तुम मुस्तफ़ा के बेटे हो? तो अलादीन ने कहा जी, लेकिन मेरे वालिद की डेथ हो चुकी है. The stranger looked very sad. He threw his arms round Aladdin's neck. I am your uncle, dear boy, he said. I have been away for many years. Now I am too late to see my poor dear brother. He took some money out of his pocket and gave it to Aladdin. स्ट्रेंजर ने रोना धोना शुरू कर दिया, उसको गले लगाया और उसने कहा कि भी मैं तुम्हारा अंकल हूँ और काफ़ी अरसे बाद मैं आया हूँ, लेकिन मैं मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपने भाई को नहीं देख पाया. और उसने अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और उसने अलादीन को दे दिए. गो टू योर मदर एंड टेल हर आई हैव रिटर्न्ड. टेल हर आई विल विजिट हर टुमारो. और साथ उन्होंने कहा कि जाओ अपनी अम्मी को भी बता दो कि मैं वापस आ गया हूँ और मैं तो कल जो है चक्कर लगाऊंगा. A job for Aladdin. Aladdin ran home and told his story. But your father had no brothers, said his mother. You must have made a mistake. I will tell the kind gentleman when he comes. तो उसकी अलादीन की वालदा ने कहा कि तुम्हारे वालिद का तो कोई भाई नहीं था, कोई गलती हो गई होगी उस आदमी से, तुम्हें जो है वो उसे बताना चाहिए था, लेकिन ये कि कल जब वो आएगा तो मैं उसे बता दूंगी. The next evening the stranger came. He held Aladdin's mother's hand. So I am too late to see my dear brother, he said. He looked so sad. Aladdin's mother began to cry. Now the stranger was not really Aladdin's uncle. He was a magician. He wanted Aladdin to help him, but he did not say anything about that to Aladdin. Instead, he looked at the boy and asked, "What job have you chosen to do, nephew?" Aladdin went very pink. "Nothing," he said. अब अगले दिन वो आया भी, उसने उसकी वालदा से अफसोस भी किया, उसकी वालदा ने रोना भी शुरू कर दिया. अलादीन असल में वो जो स्ट्रेंजर था वो असल में अलादीन का जो है वो अंकल नहीं था. वो सिर्फ चाहता था अलादीन से हेल्प लेनी क्योंकि वो एक मैजिशियन था. तब उसने अलादीन से पूछा कि तुमने क्या सोचा, फिर तुम क्या काम करोगे? तो अलादीन वेंट पिंक, मतलब शर्मिंदा हो गया. उसने कहा कुछ नहीं. देन आई शैल बाय यू अ शॉप, सेड द मैजिशियन. से गुड बाय टू योर मदर. यू आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट बिजनेस. I will do everything I can to help you. Only the best is good enough for my dear brother Mustafa's boy. Aladdin's mother was now sure the magician was Aladdin's uncle. She thanked him with all her heart. Be good and work hard, Aladdin, she told her son. अब बातों बातों में उसने बातों में लगाया, उसने कहा कि फिर ऐसा है कि मैं तुम्हें एक बिजनेस शुरू करके दूंगा, मैं तुम्हें एक शॉप खोल के दूंगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें मैं सिखाऊंगा भी काम और मेरे भाई के बेटे को जो है वो एक अच्छा सा काम जो है मैं सेट करके दूंगा. तब अलादीन की मदर को भी जो है वो यकीन होना शुरू हो गया कि वाकई यकीन मुस्तफ़ा का जो है वो फ्रेंड है. ओके,
the magic halls. The magician led Aladdin to a place outside the city. He told Aladdin to collect sticks for a fire. When the fire was burning, the magician threw some white dust onto the fire. Then he said some magic words. अब मैजिशियन ने जो है वो उसको शहर से बाहर ले आया, वहाँ पर जो है वो उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और उसमें आग आग लगाई और फिर आग लगा के उसके ऊपर एक पाउडर फूंका और फिर कुछ जादुई कलिमात पड़े. ग्रीन स्मोक रोज अप, द अर्थ शुक एंड अ लार्ज होल सडनली ओपन्ड इन फ्रंट ऑफ देम. एट द बॉटम ऑफ द होल अलादीन सॉ अ बिग फ्लैट स्टोन विद एन आयरन रिंग इन द मिडल. Take the ring in your hand and lift the stone, said the magician. Aladdin was frightened. Do as I tell you, the magician said. There is a wonderful treasure down there. Only you can reach it. Your name is written on the stone. अब जब वो उसने वो जादुई कलिमात पढ़े तो एकदम से ज़मीन हिली, बड़ा सा एक जो है वो सामने सुराख हो गया और उसके अंदर जो है अलादीन ने क्या देखा, एक बड़ा सा पत्थर देखा. तो उस बंदे ने क्या कहा, उसको मैजिशियन ने क्या कहा, टेक द रिंग इन योर हैंड एंड लिफ्ट द स्टोन, यानी वो रिंग उठाओ, आयरन की रिंग उठाओ जो उसको नजर आई थी और पत्थर को उठाओ. तो अलादीन डर गया, उसने कहा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो क्योंकि पत्थर के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है. अलादीन लिफ्टेड द स्टोन. It moved quite easily. Under the stone were some steps. They went down into the ground. Aladdin could see that it is very dark down there. जब उसने पत्थर हटाया तो नीचे कुछ सीढ़ियाँ जा रही थी और जो है वहाँ पर बहुत अंधेरा था. Go down these steps, said the magician. At the bottom you will come to a large hall. It is full of boxes of gold and silver. Do not touch anything. Keep walking. You will come to another hall. Go through that one. And you will come to a third hall. At the end of this hall, there is a door. Open the door. You will see a garden full of beautiful fruit trees. In a corner of the garden wall, there is a shelf. On the shelf, you will see a small lamp. Bring the lamp to me. You can take some of the treasure when you come back, if you like. But do not forget the lamp. तब हुआ ये कि उसने कहा कि तुम नीचे जाओ, एक हॉल आएगा, तुम वहाँ से गुजरोगे, वहाँ पर गोल्ड और सिल्वर पड़ा होगा लेकिन तुमने उसको हाथ नहीं लगाना. फिर तुम जाओगे तो फिर एक और हॉल आएगा और वहाँ पर जो है तुमने वहाँ से भी गुजर जाना है. फिर एक तीसरा हॉल आएगा, वहाँ पर ब्यूटीफुल फ्रूट ट्रीज होंगे. तो वहाँ पे फिर जब कॉर्नर पे तुम पहुँचोगे, वहाँ पर एक शेल्फ में तुम्हें पड़ा हुआ एक लैंप नज़र आएगा. वो लैंप तुमने उठाना है और लेकर आना है. वापसी पर अगर तुम्हारा दिल जाए तो तुम कुछ गोल्ड और सिल्वर भी ट्रेजर भी अपने लिए ले आना, लेकिन लैंप तुमने नहीं भूलना. अलादीन गोज डाउन द स्टेप्स. अलादीन वॉज फ्राइटेंड. ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो डाउन दोज डार्क स्टेप्स. The magician put a ring on Aladdin's finger. This is a magic ring and it will keep you safe, he said. Aladdin thanked him and went down the steps. Everything was just as the magician had said. He found the lamp and put it in his pocket. अब अलादीन जाना भी नहीं चाह रहा था, वो डर भी रहा था, अंधेरा भी था. फिर मैजिशियन ने क्या किया, उसको एक रिंग दी. उसने कहा कि ये तुम रिंग पहनो, ये तुम्हें सेफ रखेगी. तो फिर उसने थैंक यू कहा, वो चला गया. और जब नीचे गया तो उसने देखा कि हर चीज़ वैसी ही थी जैसे कि उस मैजिशियन ने कहा था. On his way back, he looked at the trees full of beautiful fruit. When he tried to eat the fruit, it was hard and cold. Aladdin did not know that the wonderful pears, oranges, and apples were huge jewels. He just thought they were pretty, and he filled his pocket with them. The magician was waiting at the top of the steps. He planned to get the lamp, then shut the door and Aladdin inside. Help me up, uncle, called Aladdin. Give me the lamp first, said the magician. You will climb up better without it. It's in my pocket, called Aladdin, under some pretty fruit. I'll give it to you when I get out. तो अब जब उसने रास्ते में फल देखे तो उन फल को उसने हाथ लगाया. वो ठंडे थे और सख्त भी थे. और फिर उसने ऐसा किया कि उसने वो जो है ना वो फल तोड़ तोड़ के अपने पॉकेट्स में रखना शुरू कर दिए. उसको नहीं पता था ये फल जो है वो एक्चुअली जो है वो ज्यूल्स हैं. ठीक है, तो उसने अपना वो उसने फल समझ के उनको अपने पॉकेट्स में भर लिया. अब जो जो मैजिशियन था ना, उसका ये ख्याल था कि वो ये करेगा कि अलादीन से लैंप लेगा और अलादीन को अंदर ही बंद कर देगा. लेकिन अलादीन ने उस लैंप के ऊपर जो है वो फ्रूट्स डाले हुए थे. उसने कहा कि अंकल आप मुझे बाहर निकालेंगे तो मैं पकड़ा सकूंगा क्योंकि उसके ऊपर जो है वो फ्रूट्स हैं. अलोन इन द डार्क द मैजिशियन वॉज एंग्री. डू एज आई टेल यू, गिव द लैम्प टू मी, ही सेड. आई कांट अंकल, सेड अलादीन. हेल्प मी गेट आउट ऑफ दिस होल. When I come out, I will take everything out of my pockets. Then you can have the lamp.
But the magician did not want to wait. He was very angry. He threw some more dust onto the fire. He said some magic words. This time, red smoke rose up into the air. There was a loud, frightening noise. The big stone slid back and the earth closed over the hole. Aladdin was a prisoner in the earth. The angry magician went away. अब उसने दोबारा कहा कि वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूँ। तो फिर अलादीन ने कहा कि मैं ऐसा कैसे करूँ, मेरी पॉकेट के अंदर लैंप है और लैंप के ऊपर और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप मुझे बाहर निकालेंगे तो मैं आपको लैंप दे दूंगा। मजिशन को और गुस्सा आया और उसने फिर से वही प्रोसेस रिपीट किया और इस दफ़ा जो है वो ग्रीन स्मोक की जगह रेड स्मोक निकली और जो ज़मीन थी उसका मुँह जो है वो बंद हो गया और अलादीन ज़मीन का कैदी बन गया। अलादीन क्राइड फॉर हेल्प बट नो वन हर्ड हिम। आफ्टर अ वाइल ही वॉज टायर्ड एंड स्टॉप्ड शाउटिंग। His hands began to feel cold, so he rubbed them together. Suddenly, a small genie appeared. I am the genie of the ring, it said. What can I do for you? Aladdin was too surprised to be frightened. Please get me out of here, he answered. At once, he found himself sitting on the grass outside. अब अलादीन जानी बताया रोया, हेल्प के लिए भी बोलता रहा लेकिन कौन सुनता उसकी। आहिस्ता आहिस्ता उसे ठंड लगना शुरू हुई। जब ठंड लगी तो उसने अपने हाथ जो है वो उनको रगड़ा, हाथों को, हाथ रगड़ने से रिंग जो उसने पहनी हुई थी उसमें से एक जीनी निकल आया और जीनी ने कहा कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो अलादीन ने कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो और एक ही लम्हे में जीनी ने जो है वो उसको बाहर निकाल दिया। द जीनी ऑफ द लैम्प ही रैन होम टू हिज मदर एंड शोड हर द प्रिटी फ्रूट। वाई डिडंट यू ब्रिंग सम ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, सेड हिज मदर। यू आर अ स्टूपिड बॉय, देयर इज नो फूड इन द हाउस एंड वी कांट ईट योर ग्लास फ्रूट। आई ब्रॉट दिस लैम्प, सेड अलादीन, इफ यू क्लीन इट परहैप्स आई कैन सेल इट इन द मार्केट। ही बिगैन टू रब द लैम्प, अ क्लाउड ऑफ स्मोक फ्लू आउट and a large genie appeared. I am the genie of the lamp, it said. What can I do for you? Bring some food, said Aladdin. The genie disappeared. In a few seconds, it came back with a big silver dish full of wonderful food. अब हुआ ये कि वो जैसे ही उसको जीनी ने हेल्प की थी बाहर निकलने में, अलादीन दौड़ के घर आ गया और घर आके उसने अपनी मम्मी को बताया सब कुछ क्या हुआ है। उसकी माँ ने कहा तुम कोई गोल्ड और सिल्वर उठा कर क्यों नहीं लाए, तुम ये सिर्फ फ्रूट्स ही उठा लाए हो और ग्लास के वो भी, इनका हम क्या करेंगे। तो अलादीन ने कहा ऐसा करें, ये लैंप में उठा कर लाया हूँ, आप इसको मुझे साफ कर दें, आप जब साफ कर देंगी तो ये मैं ले जाऊँगा और मैं इसको बेच दूंगा और जब इसे बेचूंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो जब उसकी माँ ने साफ करने के लिए लैंप को रगड़ा तो उसमें से एक बड़ा सा जिन निकल आया, जीनी निकला। तो फिर उसने वही कहा, आई एम जीनी ऑफ द लैंप, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अलादीन ने कहा कि हमारे लिए कुछ खाना ले आओ। तो थोड़ी देर में वो बड़ी सी एक सिल्वर डिश में उनके लिए बहुत सारा खाना ले आया। दिस मस्ट बी अ मैजिक लैम्प मदर, सेड अलादीन। नाउ आई नो व्हाई माय अंकल वांटेड इट सो मच, ही मस्ट बी अ मैजिशियन। तो अब ये उनको भी समझ आ गया कि ये मैजिक लैम्प है, इसीलिए उस अंकल को भी चाहिए था। एवरी डे आफ्टर दैट द जीनी ऑफ द लैम्प ब्रॉट देम फूड ऑन अ सिल्वर डिश एंड एवरी डे अलादीन सोल्ड द सिल्वर डिश इन द मार्केट। ही डिड नॉट नो द प्राइस ऑफ सिल्वर सो द शॉपकीपर्स गेव हिम वेरी लिटिल मनी, बट अलादीन एंड हिज मदर वर पुअर सिंपल पीपल एंड दे वर हैप्पी विद वॉट दे हैड। तो फिर रोज़ वो जीनी से खाना मंगवा लेते थे, खाना खा लेते थे, सिल्वर की डिश जाकर अलादीन जो है वो बेच आता था, पैसे भी मिल जाते थे। लेकिन क्योंकि उन्हें सिल्वर की प्राइस नहीं पता थी तो इसलिए वो दुकानदार उसको कम पैसे देते थे, लेकिन वो क्योंकि बहुत गरीब थे इसलिए उनको वो पैसे भी जो है वो बहुत थे। अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़िएगा, समझिएगा और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की लर्न जो स्पेलिंग्स हैं वो लर्न करिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल की जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।